हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ डायमंड रिजॉर्ट सेंट मार्टिन। ये है नेदरलैंड का एक आइलैंड में अवेलेबल है और ये बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, मैंने रूम का अंदर जा रहा हूँ अभी। ये रूम डोर ओपन का ये एंट्री है हमारा। यहाँ से ऐसे दिखाई देता है ये रूम। बट मैंने उससे पहले आपको पहला वाला डोर का साइड में जो है मैंने वो दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे इसका अंदर है, देखिए, एक आयरन बोर्ड है और कुछ हैंगर है, एक आयरन बॉक्स है और कुछ क्लीनिंग इक्विपमेंट है जो साफ़ सफाई के लिए रूम का। और आगे बढ़ते हैं फिर इसको दरवाज़ा बंद करके। देखिए, यहाँ पे ऐसे दिखाई देता है ये रूम। ये है किचन एरिया। किचन का ये बहुत ही, मतलब किचन तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मेरे को ये रूम बहुत ही पसंद आया। देखिए, यहाँ पे हर एक चीज़ इक्विपमेंट अवेलेबल है कुकिंग के लिए। मैंने आपको पहले ये दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, ये रूम, ये है डिश वॉश मशीन, जिसमें आपका जो बर्तन है, खाने का बर्तन और वो सब कुछ इसमें साफ़ हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये है वॉश मशीन। या इसका नीचे देखिए, यहाँ पे प्लेट्स और कप्स साफ़ करके रखा गया है। और इसका नीचे गार्बेज का बिन है। आप गार्बेज जो भी है आप उसका अंदर डाल के वो कवर्ड बंद कर सकते हैं। यहाँ पे टिश्यू पेपर वो सब कुछ अवेलेबल है। ये है वॉशिंग मशीन का एरिया। देखिए, मैंने आपको दिखाने जा रहा हूँ, लाइट ऑन करता हूँ मैं अभी। बिना लाइट में आपको थोड़ा अंधेरा दिखाई देगा, अच्छे से दिखाई नहीं देगा। देखिए, नीचे वाला वॉशिंग मशीन है, ऊपर वाला ड्राई मशीन है। ये बहुत ही सेटअप, मतलब इतना छोटा सा रूम में आप, मतलब बहुत ही सेटअप अच्छा से किया हुआ है। ये है, देखिए, इलेक्ट्रिक कुकिंग के लिए, मतलब यहाँ रखा गया है। नीचे है ओवन, जिसमें मतलब केक वगैरह बना सकते हैं। और ये बहुत ही ईजी है, इसका प्रोसेसिंग बहुत ही ईजी है। ये देखिए, नीचे यहाँ पे आप खाना बना सकते हैं, चार, मतलब एक साथ चार कुछ भी आइटम बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ब्रांडेड कंपनी का है। देखिए, ये भी, ये माइक्रोवेन है जिसमें हम खाना गर्म कर सकते हैं। जस्ट 1 से 2 मिनट में खाना गर्म हो जाएगा, बहुत ही गर्म हो जाएगा और आपको खाना अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। ये देखिए, ये यहाँ पे अवेलेबल भी है ग्राइंडिंग मशीन। ये सब कुछ, ये वाला देखिए, यहाँ पे प्लेट्स, ग्लास और कप्स अवेलेबल है। हर एक, मतलब जो भी फैमिली यहाँ पे आएगा आराम से कैसे, मतलब यहाँ पे खाना बना के खा भी सकता है। ये होटल का ये खासियत है, अच्छा वाला। ये देखिए, यहाँ पे कुकिंग, बेकिंग करने के लिए सब कुछ आइटम्स है, मतलब जो भी आप, मतलब बना के खाना है वहाँ पे। ये डबल, ये है कॉफ़ी मशीन। यहाँ पे देखिए, कॉफ़ी पाउडर भी है। ये अरबिक कॉफ़ी पाउडर है। यहाँ पे वो बहुत ही इजी प्रोसेस है। वो टोस्टर ओवन है। ये फ्रूट्स वगैरह मेरा कुछ यहाँ पे है। और वो है, देखिए, यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड और ये सारे कपड़े, मतलब गर्म चीज़ को निकालने के लिए सब कुछ है। यहाँ पे कटलेरी है सारे, जैसे कि नाइफ, स्पून, फॉर्क, सारे हो गया उसका अंदर। ये खाना बनाने के लिए इसका अंदर नीचे है। यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ पे सब्जी का धोने के लिए वो वेजिटेबल, ये धोने के लिए मतलब वो रखा हुआ है। इसका नीचे ये आइस बकेट है, जिसमें आइस रख के, मतलब क्योंकि गेस्ट यहाँ पे ज़्यादातर आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो अल्कोहल का ड्रिंक्स का टाइम पे नहीं, तो हर चीज़ में ये करते हैं। ये आइस, ये डबल डोर का फ्रिज है। यहाँ से मतलब आइस तो बना सकते हैं हम, आपको मालूम होता है ऐसे। ये मेरा फ्रिज देखिए कैसे, मतलब बहुत, ज़्यादा कुछ रखा नहीं है मैंने, बट ये बहुत ही स्पेशियस है, बहुत बड़ा है। मैंने आगे बढ़ा जा रहा हूँ। मैंने देखिए, ये मेरा डाइनिंग, ये यहाँ पे आप बैठ के भी खाना भी खा सकते हैं। और ये वहाँ से बाथरूम भी दो साइड से डोर है। ये मेरा डाइनिंग है, मेरा खाना भी आया है तो मैंने अभी खाना खाऊंगा बाद में। मैं आपको पहले रूम दिखा लेता हूँ। ये वाला लाइट को मैंने ऑन कर लेता हूँ तो आपको अच्छा से दिखाई देगा, मतलब और भी खूबसूरत लगेगा रूम। रूम में ही लाइट जितना जलता है वो बहुत ही खूबसूरत। देखिए, ये कर्टन इतना खूबसूरत है यहाँ का। यहाँ से टीवी एक है, मैंने टीवी ऑन करके आपको दिखाता हूँ। आप, ये बहुत बड़ा टीवी है और आप यहाँ से, मतलब यहाँ पे बैठ के आराम से मज़ा ले सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ा टीवी है, मैं तो बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। आप
आपको भी कभी टाइम मिले तो आप यहाँ पे आइए एक बार। मैंने अभी बालकनी आपको मेरा ये बेडरूम है, बालकनी भी मैं दिखाऊंगा आपको अभी। देखिए मैंने कर्टन ओपन करता हूँ पहले, ये हैवी कर्टन ओपन किया, उससे पहले मैंने लाइट ऑन कर लेता हूँ। ये अभी शेयर कर्टन ओपन कर रहा हूँ मैं, शेयर कर्टन ओपन करके मैंने आपको बाहर का चीज़ दिखाऊंगा थोड़ा। अभी ये रात है, मैंने वीडियो का एंड पे मैंने दिन का व्यू भी मैंने डाला है, आप देख सकते हो। मेरा अभी फ़ोन रिंग हो रहा है, शायद कोई जो किसी को ज़रूरत होगा शायद। और ये देखिए बाहर का व्यू ऐसा है, बहुत ही खूबसूरत है। रात में तो इतना अच्छा दिख रहा है और दिन में भी इससे भी बहुत ही खूबसूरत है। और देखिए आप बारिश का टाइम पे आप यहाँ पे रहोगे ना, और भी बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ से दूर दूर सी व्यू है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ से मैंने मेरा बेडरूम दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये मेरा बेडरूम है। पहले मैं डोर बंद कर लेता हूँ क्योंकि मच्छर कोई कॉकरोच वगैरह आ जाएगा अंदर, तो पहले मैंने डोर बंद करके मैं दिखाता हूँ आपको बेडरूम। ये है मेरा बेडरूम, देखिए बहुत ही खूबसूरत है। और मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये बेड पे मतलब सोने के लिए। और मैंने पहले टीवी ऑन करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ का टीवी भी मतलब टीवी में ना व्यू इतना अच्छा आ रहा है। और बेडरूम में भी एक टीवी है और लिविंग रूम में भी एक बेड टीवी है, तो आप मतलब दोनों जगह से मतलब टीवी का मज़ा ले सकते हैं। और हम इतना दूर आए टीवी का ही मज़ा नहीं लेंगे। देखिए ये फ़ैन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फ़ैन आप लाइट और एलईडी दोनों है इसका साथ, ये फ़ैन भी चलता है और लाइट भी एक साथ मतलब एक ही जगह में मतलब, और भी बहुत ही मज़ेदार। ये मेरे को सबसे अच्छा ये वाला फ़ैन मेरे को बहुत ही पसंद आया। मैंने उससे पहले आपको कर्टन ओपन करके बाहर का व्यू दिखाता हूँ थोड़ा। मैंने पहले ऑलरेडी मैंने आपको व्यू का ऑलरेडी मैंने दिखा चुका हूँ, और मैंने व्यू लेट मतलब पीछ मतलब वीडियो का एंड पे मैंने अच्छा वाला वीडियो बना के मैंने उसमें मतलब ऐड करूँगा, क्योंकि अभी रात है इतना अच्छा दिखाई नहीं देगा। ये है मेरा कबोर्ड, अभी कबोर्ड में तो कुछ है नहीं, जस्ट एक्स्ट्रा पिलोस और ब्लैंकेट्स है इसका अंदर, मैंने और मेरा कुछ कपड़े इसका अंदर है, तो मैंने आपको बाद में वो दिखाऊंगा। और ये देखिए बाथरूम, बाथरूम का डोर मैंने ओपन किया अभी, टिन टिन। देखिए ये बहुत ही बहुत बड़ा बाथरूम है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी लाइट्स बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है बाथरूम, तो बाथरूम आपको मतलब अब मतलब आपको ज़्यादा मैंने व्यू नहीं दिखाऊंगा बाथरूम का, बट थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि रूम का साथ साथ आप बाथरूम का भी मतलब व्यू मतलब ये एक जो लग्जरी सर्विस है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये मेरा शावर एरिया है, देखिए यहाँ पे गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों अवेलेबल है, तो आप दोनों का मज़ा ले सकते हो। मैंने अभी अभी जस्ट शावर लिया, मैंने देखिए यहाँ से हेयर ड्रायर है, यहाँ से हेयर ड्रायर आप यूज़ कर सकते हो। नीचे टावल्स है, मैंने ऑलरेडी टावल्स यूज़ किया है और अभी जस्ट थोड़ा सा टावल है यहाँ पे। यहाँ पे ये रूम का खासियत ये है, दोनों साइड बेडरूम से भी आपका डोर मिलेगा और यहाँ से दो साइड में डोर है, यहाँ से आप डायरेक्ट किचन के और लिविंग रूम में भी मतलब जा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ से निकल गया, अभी दोनों साइड से डोर है, मैं तो बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आप कभी भी आपको टाइम मिले ज़रूर आइए और ऐसे लग्जरी होटल का लुत्फ़ उठाइए। और ये देखिए मैंने तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, ये जो मेरा चैनल है रिंकू एक्सप्लोर है, आप ऐसे ऐसे व्यू देखने के लिए मतलब ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तो मैंने अच्छा अच्छा वीडियो बना के सेंड करूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ये देखिए दिन का व्यू है ये, और ये बहुत ही खूबसूरत है। मैंने आपको पूरा का पूरा दिन का व्यू दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ से दूर दूर से समंदर का व्यू दिख रहे हैं, सी व्यू इतना खूबसूरत है। और ये तो और भी मतलब आप पास में से देखोगे रियल में तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने तो बहुत ही मज़ा कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अभी 14 डेज रहने वाला हूँ, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और ये लग्जरी होटल का मैं ज़रूर एंजॉय करूँगा लग्जरी होटल में, और ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारे लग्जरी होटल में स्टे करने वाला हूँ आगे भी। ये देखिए दोनों साइड में बालकनी है, तो आप दोनों साइड से आके अंदर जा सकते हैं।
यहाँ से देखिए मेरा बाथरूम, मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है बेड, तो मैंने लाइट भी ऑफ करके रखा है, तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा अभी, बट मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है उसे। ये देखिए रेन, बारिश का टाइम पे ये मैंने वीडियो बनाया है और ये बहुत ही खूबसूरत है। देखिए वहाँ से समंदर का है, वो समंदर दिखाई देता है, और वो अभी बारिश हो रहा है तो आपको अभी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, बट ये बहुत ही जो नेचुरल ब्यूटी है ना, ये आइलैंड में भरा पड़ा है। आप कभी भी आइए, ये है सेंट मार्टिन और ये नेदरलैंड का, सो आप कभी भी आइए। इंडियंस यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस है और यहाँ पे इंडियन फूड भी अवेलेबल है। मैंने हमेशा इंडियन फूड ऑर्डर करता हूँ और लोकल फूड भी मैंने उसका साथ साथ ऑर्डर भी करता हूँ। मैंने दोनों फूड एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। आप कभी भी आइए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये मेरा होटल का वीडियो है, ये पहला वीडियो है होटल के लिए मैंने बनाया है, और आगे मैंने और भी जो भी होटल में स्टे करने वाला हूँ और जहाँ पे भी फ्लाई करने वाला हूँ, तो वहाँ पे मैंने ये करूँगा, वीडियो बना के आपको सेंड करूँगा, आप पूरा वीडियो का मज़ा ले सकते हैं। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ये कोविड में आप सुस्त रहिए और घर घर में ही रहिए, और मास्क पहनिए और सैनिटाइजर यूज़ कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल ट्रिंकू एक्सप्रो।